मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हों, बच्चे हों या सबके पास है। इसकी वजह से पैदा होने वाले जो बेजा ये ख्यालात हैं या ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रखे होते हैं जो जिसमें हम खुद को रियलाइज़ कर रहे होते हैं, चीज़ सामने कुछ और चल रही है लेकिन उसमें फील हम खुद को कर रहे होंगे। और उसमें आप एक चीज़ और देखें कि मुसलसल स्क्रॉल करें और वो अपने कितने 5 to 10 minutes, 15 minutes आपने उस स्क्रॉलिंग पे कर दी और वो एनर्जी वहाँ लगा दी, तो वो जब आप गलत जगह पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं तो फिर जब आपको जहाँ पॉजिटिव तरीके से लगानी होगी तो वहाँ पे आपको क्या होगा, नर्वस डाउन हो जाएंगे, डाउन। तो ये चीज़ है कि आपको जरा फोकस ऑफ अटेंशन अपना खुद से देखना है कि मैं कहाँ पे किस तरह कैसे करूँ। अब आप वो देखें जो लोग, मैं पॉजिटिव उन लोगों की बात करूंगी जो एंग्जाइटी को मैनेज कर रहे होते हैं, ओवरथिंकिंग को मैनेज कर रहे होते हैं, सिर्फ आप उनसे बैठ के पूछें कि आप पूरा दिन करते कैसे हैं। वो उन्होंने, उनमें से मेरी एक फ्रेंड है तो उन्होंने कहा था कि मैंने मोबाइल ना साइड पे रख दिया कुछ आवर्स के लिए बंद। ग्रेट। अब वो जो एक आवर कहती हैं जो मुझे सुकून आता है तो वो जो है वो एक अलग ही लेवल का जबरदस्त। तो मतलब ये चीज़ होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपने कैसी चीज अपने हाथ में पकड़ ली ना जिस पे आप देखे जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, कुछ बुरी आ रही है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। अब आपका जो माइंड है, दिमाग है, उसमें कन्फ्यूज़ हो रहा है।